मुकेश भट्ट मशहूर फिल्म निर्देशक महेश भट्ट के भाई हैं और खुद भी एक मशहूर फिल्म मेकर हैं। मुकेश के पिता नाना भाई भट्ट भी अपने समय के जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता थे। मुकेश की पहली फिल्म जुर्म थी, जो 1990 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में विनोद खन्ना ने अभिनय किया था। मूवी बॉक्स ऑफिस में ज्यादा कमाल तो नहीं कर पाई, लेकिन इसके बाद उन्होंने गुलशन कुमार के साथ मिलकर फिल्म आशिकी बनाई, जो सुपरहिट साबित हुई। मुकेश यूं तो साधारण जीवन जीते हैं, पर कभी कभी वो अपने बयानों की वजह से विवादों में पड़ जाते हैं। कुछ साल पहले उन्होंने पाकिस्तानी कलाकारों के बारे में बात करते हुए कहा था कि वो 7 जन्म तक बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं कर पाएंगे। सनी लियोनी के बारे में बात करते हुए मुकेश ने कहा था कि उनकी फिल्मों को जब सिनेमा घरों में दिखाया जाए तो उसमें राष्ट्रगान नहीं बजाना चाहिए। यही नहीं, महिलाओं के बारे में बात करते हुए मुकेश ने पिछले साल ये भी कहा था कि महिलाएं इतनी मासूम भी नहीं हैं जितना दिखने की कोशिश करती हैं। खैर, अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।